सिंघम 3 या फिर सिंघम अगेन मूवी को रिलीज कर दिया गया है आज, और मैंने इस मूवी को देख लिया और ये मूवी वैसी नहीं है जैसे कि आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि भाई लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस मूवी के बारे में क्या बोलूं। मतलब ये मूवी ऐसी है ना जिसको देखकर आप कहो कि भाई ये अच्छा तो था, लेकिन जो था वो क्या था, और सबसे बड़ा सवाल क्या आखिर ये क्यों था। देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी में बहुत सारे एक्टर होने वाले हैं, और आप कह सकते हो कि इस मूवी में आधा बॉलीवुड होने वाला है, लेकिन मैं जिसके लिए पर्सनली एक्साइटेड था ना वो थे सलमान खान। तो अब क्या उनका कैमियो इस मूवी में है या फिर नहीं, इसके बारे में तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि अगर आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब आखिर इस मूवी की स्टोरी है क्या। तो देखो जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है कि ये मूवी जो है ना रामायण के अडेप्टेशन है, जिसको रोहित शेट्टी ने बहुत पहले ही हमें टीज करके बता दिया था। और अगर आप इसका ट्रेलर देखकर इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो मुबारक हो, आपने इस मूवी को पहले ही देख लिया है। बस अब आपको मूवी में बस यही देखना है कि आखिर कौन सा एक्टर है, कहाँ पे एंट्री हुआ है, और किस एक्टर के एंट्री पे कितना रकार उछलता है। तो देखो जैसा कि मैंने कहा कि इस रामायण की स्टोरी को दिखाया जा रहा है, तो अपने जो सिंघम है यानी कि अजय देवगन, वो है इस मूवी के राम, और उनकी सीता होती है करीना कपूर, जिनको कुछ गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं कहीं पर। अब इसके बाद से पूरे रामायण की स्टोरी को फॉलो किया जाता है। देखो भाई लोग, मैं मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसको पूरा इंडिया जानता है कि इसके एंड में क्या होने वाला है, क्योंकि ये रामायण की अडेप्टेशन है। जिस वजह से मैं कुछ ऐसा मूवी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को हेवी स्पॉइलर मिल जाओ, आप इस मूवी को उस तरह से एंजॉय ना करो जैसे कि अभी मैं करके आ रहा हूँ। इसीलिए मूवी की स्टोरी जो थी ना वो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, लेकिन जो इन लोगों ने हगा है ना वो कहाँ पर हगा, मैं बताता हूँ आपको वीडियो में आगे। तो देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मूवी में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार हैं, जिस वजह से उन सभी स्टार को एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शायद यही चीज नहीं हो पाया रोहित शेट्टी से, क्योंकि कुछ कैरेक्टर को देखकर आप कहोगे भाई ये कैरेक्टर क्यों था इस मूवी में और ये क्या चिंदीगिरी कर रहा है। देखो सबसे ज्यादा जो अजीब कैरेक्टर मुझे लगा ना वो था दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, जो कि मूवी में क्या है वो आपको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इनका जब पोस्टर आया था तो हमें ऐसा लग रहा था ये काफी बैडल कैरेक्टर होने वाला है। लेकिन आप मेरा यकीन मानो, जब आप इनको स्क्रीन पे देखोगे तो आप कहोगे भाई इसको जल्दी से हटाओ यहाँ से, क्योंकि यार वो मूवी में इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी ना कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि वही दीपिका है जिन्होंने पठान और जवान मूवी में काम किया है। मतलब यार दीपिका पादुकोण जानी जाती है अपने एक्टिंग के वजह से, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा मन कर रहा था ना कि उनकी एक्टिंग का पैसा ना काट के उनको पैसा ज्यादा दे दिया जाए ताकि वो अपना काम करना अब छोड़ दे। और भाई लोग जो उनको एक्शन सीक्वेंस दिया गया ना उनको देखकर तो लगता ही नहीं है कि वो एक्शन भी कर सकती है। मतलब मुझे याद है कि उन्होंने पठान और जवान मूवी में किस तरह का एक्शन किया था, लेकिन इस मूवी में और उस मूवी में एकदम आसमान जमीन का फर्क होगा एक्शन के मामले में। साथ ही में अपने टाइगर श्रॉफ भी थे इस मूवी में, जिनको उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं मिला है मूवी में। मतलब वो मूवी में थे, दो तीन गुलाटियां मारा उन्होंने और उसको बस खत्म कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया मुझे नहीं पता। इसके अलावा सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे लगा वो था सिम्बा का कैरेक्टर, जिसको प्ले किया है रणवीर सिंह ने। भाई ये कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आ रहा था ना तो मुझे हंसी आ रहा था, क्योंकि मूवी में जो रणवीर सिंह का जो पंच लाइन होता है ना वो काफी ज्यादा फनी होता है। हाँ कहीं कहीं पे वो थोड़ा ओवर कर देते हैं अपने एक्टिंग को, लेकिन अगर आपने सिम्बा मूवी और सूर्यवंशी मूवी को देखा है तो आपको पता होगा कि उनका जो कैरेक्टर है ना वो कुछ उसी तरह का है। और साथ ही में जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर था वो था अजय देवगन का, जो कि इतने सारे बड़े बड़े एक्टर होने के बावजूद वो अपना एक अलग जगह बना लेते हैं। मतलब देखो बहुत से मूवी में ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा बड़ा एक्टर आ जाता है ना तो जो मूवी का लीड होता है ना वो उसको ओवरशैडो कर देता है, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अजय देवगन का कैरेक्टर आपको काफी पसंद आने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं इस मूवी के विलन के बारे में, जो कि इस मूवी में दो विलन है। पहले तो हो गए अपने जैकी श्रॉफ, जिनको ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है, और अगर आपको याद है तो ये कैरेक्टर सूर्यवंशी मूवी में भी था। देखो मुझे लगा था ना कि ये कैरेक्टर काफी भौकाली वाला होगा, क्योंकि इसको सूर्यवंशी मूवी में कुछ उसी तरह से दिखाया गया था, लेकिन यार इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा बचकान दिखाया गया है, और वो भी बस इसीलिए ताकि अर्जुन कपूर एक बड़े विलन लगे। तो इसीलिए अब बात कर लेते हैं अर्जुन कपूर के बारे में ही कि आखिर उन्होंने इस मूवी में विलन का कैरेक्टर कैसे प्ले किया है। क्योंकि देखो अर्जुन कपूर एक ऐसे कैरेक्टर है ना जिनको एक्टिंग को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो काफी अच्छे एक्टर है जिन्होंने गुंडे और अपने पहली मूवी में काफी अच्छा काम किया था। उनकी टू स्टेट मूवी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन क्योंकि उनको उस तरह की मूवी नहीं मिली जिसमें वो अपने पोटेंशियल को बता सके, जिस वजह से अब उनको लोग ट्रोल करते हैं, जो कि कई हद तक सही भी है। लेकिन जितने भी उनके ट्रोलर्स हैं ना वो अगर इस मूवी को देखेंगे तो कहेंगे भाई इस मूवी में क्या उन्होंने भौकाली को मचाया है। मतलब लिटरली उनको देखकर लगता है कि हाँ वो एक इविल कैरेक्टर है जिसको देखने में स्क्रीन पे काफी ज्यादा मजा आता है। अब बहुत लोगों का ये भी कहना था कि इस लुक को कॉपी किया गया है अल्लू अर्जुन के पुष्पा मूवी से, तो भाई आप जब इस मूवी को देखोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ ये दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग हैं, और इन दोनों ही कैरेक्टर के परफॉर्मेंस में एकदम आसमान जमीन का फर्क है। ओवरऑल मैं बस इतना ही कहूँ कि हाँ मुझे विलन का कैरेक्टर काफी बैडास लगा, और पर्सनली इस तरह की मूवीज में इसी तरह का विलन होना चाहिए। बाकी अगर बात करें इस मूवी के एक्शन वगैरह के मामले में तो हम सब जानते हैं कि इस मूवी का एक्शन कैसा होगा। तो देखो ये मूवी एक प्रॉपर मासी मूवी है, जिस वजह से इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया जाएगा आप उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए भाई रोहित शेट्टी की मूवी है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके गया था कि इस मूवी को देखते वक्त मुझे अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो फिर मैं इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। और जब मैंने ऐसा किया तो सच बता रहा हूँ मैंने इस मूवी को एंजॉय किया पब्लिक के साथ।
साथ, क्योंकि भले ही इस मूवी का एक्शन आपको देखने में ओवर द टॉप लगेगा, लेकिन जब आप इसको पब्लिक के साथ थिएटर में देखोगे ना, आप इसको एंजॉय करोगे, क्योंकि भाई लोग नॉर्मल पब्लिक को इसी तरह की एक्शन पसंद आती है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये मूवी काफी ज्यादा कमाई करने वाली है, क्योंकि इस मूवी में वो सारी चीजें है जो कि पब्लिक को पसंद आती है और पब्लिक एक मास एंटरटेनर मूवी से एक्सपेक्ट करती है। इसके अलावा आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मूवी में सलमान खान है या फिर नहीं, तो देखो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ इस मूवी में सलमान खान है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि यार मैं अगर आपको बता दूंगा तो फिर इस मूवी में कुछ भी ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा जिसको देखकर आप कहो कि भाई मैं इसके लिए मूवी को देखने के लिए जाऊंगा। इसीलिए अभी के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि इस मूवी में कौन होने वाला है और कौन नहीं होने वाला है। बाकी हाँ मैं इतना कहूंगा कि आप इस मूवी को पब्लिक में एंजॉय करोगे। देखो ये मूवी उस तरह की मूवी है जो कि सिनेफाइल ऑडियंस को पसंद नहीं आती है, इसीलिए भाई इसको सिनेफाइल लेवल पर जाकर आपको क्रिटिसाइज करना यह गलत होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोहित शेट्टी की मूवी से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप उनकी मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो आप ये तो बिल्कुल ही सोच लो कि उनकी मूवी का जो कलर टोन होगा ना वो काफी ज्यादा ब्राइट होगा, और साथ ही में जितने भी मूवी में कलर वगैरह होंगे ना वो काफी ज्यादा पॉपी होंगे, और कार वगैरह ना उड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि रोहित शेट्टी एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका दिमाग अभी भी 90s में टिका हुआ है, और क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऑडियंस को मासी मूवी पसंद आ रही है तो मैं तो कहूंगा कि उन्होंने ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट मूवी बनाया है। बाकी खराब हो तो क्या आपने इस मूवी को देख लिया तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और हाँ क्या आपने इस मूवी को देखकर एंजॉय किया या फिर नहीं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस मूवी का एक प्रॉपर स्पॉइलर टॉक वाला वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बात करूंगा और मैं इस यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में बात करूंगा। तो मिलते हैं कुछ देर बाद भूल भैया 3 मूवी के रिव्यू में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।